Hello students, welcome back to your channel, that is Step by Step Study. So this is part 2 of your chapter 3, that is synthetic fibers and plastics. I have already taken part 1 of this chapter, and what it contained, what I have discussed is natural and man-made materials. Jisme maine aapko bataya tha what are natural materials, then we have discussed about man-made materials. मैनमेड मटेरियल्स कौन से होते हैं? मटेरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल मटेरियल्स. जो मटेरियल नेचुरल मटेरियल से ऑब्टेन होते हैं उसी को मैनमेड मटेरियल्स बोला जाता है. अब ये आप जो नेचुरल मटेरियल्स को आप और क्या बोल सकते हो, वी कॉल देम रॉ मटेरियल्स. एंड ये किस तरीके से बनते हैं, ये रॉ मटेरियल में जब हम केमिकल प्रोसेसिंग करते हैं तो उसके थ्रू जो है वो बनाए जाते हैं. इफ दे आस्क यू व्हाट द एग्जांपल्स ऑफ मैनमेड मटेरियल्स, तो एग्जाम्पल्स आर प्लास्टिक्स, पेंट, सीमेंट, फर्टिलाइजर, डिटर्जेंट, ग्लास, फाइबर्स एंड मैनी मोर. नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट क्लोदिंग मटीरियल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोदिंग मटीरियल्स वी हैव डिस्कस्ड, फॉर एग्जाम्पल कॉटन, जूट. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्लांट फाइबर्स, एनिमल फाइबर्स. एनिमल फाइबर्स कौन से होते हैं, दे कैन आस्क यू एंड क्वेश्चन कैन कम इन फ्रॉम दिस, वूल एंड सिल्क. Then we have plant fibers. In plant fibers we have cotton, jute. Then we have discussed about polymers. In that polymers we have discussed about monomers. Raw material used for making synthetic fibers we have discussed. So kaun kaun se raw material use hote hain synthetic fibers ko banane mein? Methane, ethanol, ethyne, methanol, ethene, butene, ethane, propene and vinyl chloride. So we have discussed synthetic fibers, and in synthetic fibers we have taken rayon, we have discussed your nylon, polyester, and now we will discuss about acrylic. It is a synthetic fiber. So acrylic ke bare mein aaj padhte hain. एक्रीलिक फाइबर जो है ये बिल्कुल सिमिलर टू वूल की तरह ही होता है. आपका जो वूल होता है बिल्कुल उसी की तरह ये दिखता है एक्रीलिक फाइबर, उसी की तरह जब आप टच करोगे. तो ये यूज होता है आपका फॉर मेकिंग स्वेटर्स, शॉल्स, ब्लैंकेट्स, कारपेट. जो आपके स्वेटर्स हैं, शॉल्स हैं या ब्लैंकेट्स, कारपेट्स, ये सब बनाने में ये जो एक्रीलिक फाइबर है वो यूज होता है. देन एक्रीलिक फाइबर्स दे आर रिलेटिवली चीपर देन वूल. अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ऊन सस्ती है या एक्रीलिक, तो एक्रीलिक रिलेटिवली चीपर है, सस्ता होता है आपकी ऊन से. एक्रीलिक फाइबर जो है सस्ता होता है देन, और जो क्लोथ्स भी जो एक्रीलिक फाइबर के बने होते हैं वो एज कम्पेयर टू योर वूलन क्लोथ्स उससे सस्ते होते हैं. नाउ विल डिस्कस अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है सिंथेटिक फाइबर्स की? हमारा जो सिंथेटिक फाइबर्स है दे आर यूज्ड एज ड्रेस मटेरियल्स इन देयर नेटिव फॉर्म और आफ्टर ब्लेंडिंग विद सम नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन या वूल. जैसे कि हमने डिस्कस करा था कि हमारा जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं ये ड्रेस मटेरियल के लिए यूज होता है. या तो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं हम इसको, या फिर हम इसको ब्लेंड करके किसी नेचुरल फाइबर के साथ, फॉर एग्जांपल नेचुरल फाइबर कौन से, कॉटन है, वूल है, इनके साथ हम ब्लेंड करके उसके बाद हम सिंथेटिक फाइबर्स को बना सकते हैं. सिंथेटिक फाइबर्स की कुछ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं. तो वो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं क्या? पहला, ये जल्दी से गीले नहीं होते, दे डज नॉट गेट वेट. सो फाइबर्स जो मेड फ्रॉम जो फैब्रिक्स बने होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स की, जल्दी सूख जाते हैं. कल भी करा था. सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं आपके ड्यूरेबल होते हैं. फैब्रिक्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स लास्ट लॉन्ग. ड्यूरेबल मतलब जल्द ज़्यादा टिकते हैं. सिंथेटिक फाइबर्स दे कैन बी ड्रॉन इन टू फाइन थिकनेस. मतलब आप जो सिंथेटिक फाइबर है बहुत ही फाइन थिकनेस में जो हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लाइट वेट होते हैं. आपने कभी भी जो एक्रिलिक की कभी जैकेट वगैरह डाली होगी तो वो बहुत ही लाइट वेट होती है आपके वूलन से. तो इसकी वजह से क्या होता है कि थिन हो जाएगा कपड़ा, थिन हो जाएगा और लाइट वेट हो जाएगा. सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं आपके ये स्ट्रांग होते हैं, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो हाई होती है, एंड ये एब्रेशन रेजिस्टेंट होते हैं. तो एज द रिजल्ट क्या होता है, आपका फाइबर्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स आर लॉन्ग लास्टिंग एंड इजी टू मेंटेन. ऑल्सो द सिंथेटिक फाइबर्स आर चीपर एज कम्पेयर टू योर वुलन दैट वी हैव डिस्कस्ड. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग क्लोथ्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स. एडवांटेजेस क्या क्या हैं आपके जो सिंथेटिक फाइबर्स से जो बने होते हैं कपड़े? पहला, ये श्रिंक नहीं होते, जल्दी से ड्राई हो जाते हैं, क्विक ड्राई. इनको बहुत ही कम जो आपकी प्रेस वगैरह की बहुत कम जरूरत होती है, या फिर
बिल्कुल प्रेस की जरूरत होती है, वो चिपक जाता है कपड़ा, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड वॉश एंड वियर फैब्रिक्स, इसीलिए इनको वॉश और वियर फैब्रिक्स भी बोला जाता है। दे लास्ट लॉन्गर एज कम्पेयर टू योर फैब्रिक्स मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स, कभी भी आप ये जो आप सिंथेटिक फाइबर्स की जब जैकेट पहनेंगे तो वो ज़्यादा चलेंगे एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर्स, किसी भी कॉटन की जैकेट पहन लो या वूल की जैकेट पहन लो, उससे ये ज़्यादा चलते हैं। तो दे लास्ट लॉन्गर एज कम्पेयर टू योर फैब्रिक्स मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स। सो आई होप इट इज़ क्लियर। सो वी ऑल्सो हैव सम डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं आपके, तो वो हम डिस्कस करेंगे। डिसएडवांटेजेस हैं क्या बेसिकली इसमें, तो वो डिस्कस करते हैं आप। चलिए, डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लोथ्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स, अब हमने एडवांटेजेस वी हैव डिस्कस, तो इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। डिसएडवांटेजेस हैं बेसिकली आपके, सिंथेटिक फाइबर्स दे डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर, जब वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता ये, जब जल्दी ड्राई हो जाता है, डैट मीन्स कि अगर आपको स्वेट आ रहा है, पसीना आ रहा है, तो ये आपके सिंथेटिक फाइबर्स इसको पसीने को भी सोखेंगे नहीं। अगर आप गर्मी के टाइम में कॉटन के क्लॉथ्स क्यों पहनते हो, क्योंकि जो आपका पसीना होता है वो सोख लेता है कॉटन, बट इन केस ऑफ योर सिंथेटिक फाइबर्स वो पसीना नहीं सोखता। सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं, दूसरा इसका नुकसान जो है डिसएडवांटेजेस, दे मेल्ट एंड बर्न ईजली, जल्दी से जो है पिघल जाता है, जल्दी से बर्न हो जाता है। थर्ड वन इज सिंथेटिक फाइबर्स दे आर बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, जल्दी से डिग्रेड नहीं होते हैं, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। एंड वी हैव इन ड्राई वेदर्स द फैब्रिक्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स, क्या होता है, दे टेंड टू डेवलप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जब आपका वेदर ड्राई होता है तो जो आपके सिंथेटिक फाइबर से आपके जो कपड़ा बनता है ये एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर लेता है। ओके, और ये आपकी जो स्पार्क्स होते हैं, इस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो स्पार्क्स होते हैं ये हमें रात में दिखते हैं, ठीक है। और सर्टेन स्किन प्रॉब्लम्स भी जो हैं आपके सिंथेटिक कपड़े पहनने से हो जाती है, तो दैट इज़ व्हाई वी चूज कॉटन क्लोथ्स ओवर योर सिंथेटिक फाइबर्स। सो वी हैव डिस्कस्ड योर डिसएडवांटेजेस, दीज डिसएडवांटेजेस आर पार्शली रिमूव इन द ब्लेंड्स ऑफ सिंथेटिक एंड नेचुरल फाइबर्स, जो ये डिसएडवांटेजेस हैं ये हमने करे सिंथेटिक फाइबर्स के। इफ़ वी ब्लेंड देम विद नेचुरल फाइबर्स, इफ वी ब्लेंड सिंथेटिक फाइबर्स विद नेचुरल फाइबर्स, वी कैन यू नो रिमूव सर्टेन डिसएडवांटेजेस फ्रॉम दिस। फॉर एग्जाम्पल, जब हम पोलिएस्टर लेते हैं एंड कॉटन ब्लेंड्स, दे आर कॉमनली कोल्ड एज टेरिकॉट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पॉलिएस्टर प्लस में कॉटन, अगर ये दोनों मिलके बनाएंगे तो ये कौन सा जो है आपका मिक्स बनेगा, आपका कौन सा फैब्रिक बनेगा, तो ये बनेगा आपका टेरिकोट। आई होप इट इज क्लियर। सो लेट्स रिवाइज सम पॉइंट्स बिफोर आई प्रोसीड फर्दर। तो पहला है पॉइंट इज द फाइबर इज अ थ्रेड लाइक मटीरियल, हमें पता है फाइबर जो है एक थ्रेड लाइक मटीरियल है, थिन एंड लॉन्ग। रेयन, नाइलॉन, टेरिलीन एंड एक्रिलिक, इफ दे आस्क यू कि एग्जांपल्स ऑफ योर सिंथेटिक फाइबर्स, तो आपको याद रखना है पहला है आपका रेयन, कल डिस्कस करा था कि हमें ऑप्टेन कैसे होता है उसको देख लेना, क्वेश्चन आता ही आता है। वी हैव नाइलॉन, टेरिलीन, TERYLENE, एंड द फोर्थ वन इज एक्रिलिक, ACRYLIC। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। नाइलॉन जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है, इट इज़ स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, रिंकल फ्री, एब्रेशन रेजिस्टेंट। रेयन जो है वो किस चीज़ से बना होता है, ये बना होता है आपका सेल्यूलोस से, जो आपका वुड में सेल्यूलोस होता है ये सेल्यूलोस से बना होता है। टेरिलीन, डेक्रोन एंड टीरीन, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिएस्टर फाइबर। अगर आपसे पॉलिएस्टर फाइबर के एग्जांपल पूछे जाएं, तो रिमेंबर एग्जांपल्स आर टेरिलीन, सेकंड वन इज डेकॉन, TECRON, एंड द थर्ड वन इज टेरीन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस दीज टू, दिस इज टेरिलीन एंड दिस इज टेरीन। ओके, आई होप इट इज क्लियर। एक्रिलिक फाइबर जो होता है आपका, इट फील्स सिमिलर टू योर वूल। एंड सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर्स के एडवांटेजेस क्या हैं, ये श्रिंक नहीं होते, जल्दी से ड्राई हो जाते हैं और बहुत ही कम या फिर ना मात्र प्रेस की इनको जरूरत होती है। फोर्थ एडवांटेजेस, ये बहुत ज़्यादा लास्ट लॉन्गर।
कॉटन और वूल जो होती है दे एब्जॉर्ब वाटर इजिली, इसीलिए हम इसको जो है हॉट और ह्यूमिड वेदर में कॉटन के कपड़े पहनते हैं। बट इन केस ऑफ योर सिंथेटिक क्लोथ, ये हमारा जो पसीना है वो नहीं सोखता, तो वी फील अनकंफर्टेबल वेयरिंग दीज सिंथेटिक क्लोथ्स ड्यूरिंग समर्स। पॉलिएस्टर और नायलॉन, ये जो पॉलिएस्टर के कपड़े बनते हैं नायलॉन के, ये बहुत ही कम वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। देन वी हैव इज कॉटन जो है वो कैसे बर्न करती, इट बर्न्स विगरसली। रेयन जो है आपका बर्न रेडिली जल्दी से। वूल एंड सिल्क दे बर्न विद अ स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर, जो आपकी ऊन या फिर आपका सिल्क का कपड़ा जब भी बर्न होता है जलता है तो किस तरीके से बर्न होता है, ये जैसे कि आपके जब आप बाल जलाते हो उसमें स्मेल आती है, सिमिलरली इसमें भी स्मेल उसी टाइप की आती है। नायलॉन पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक बर्न वेरी स्लोली, जो आपके नायलॉन के कपड़े होते हैं, पॉलिएस्टर हैं, एक्रिलिक हैं, बहुत ही आराम से बर्न होते हैं, स्लोली स्लोली बर्न होते हैं। एंड क्या होता है लास्ट में जब ये बर्न हो जाते हैं, कभी भी आपने देखा होगा कॉटन का कपड़ा बर्न करना एक टेरिलीन का, या फिर आप बर्न करना किसी सिंथेटिक फाइबर को नायलॉन या पॉलिएस्टर के, वो जब बर्न होंगे वो एज अ प्लास्टिक की तरह बर्न होके बिल्कुल छोटे से उसमें श्रिंक हो जाते हैं। ओके, सो मोस्ट ऑफ देम दे बेंड ऑन बर्निंग। आई होप इट इज क्लियर टू यू। Now we come to synthetic plastics, and before that we will discuss few questions. Kindly pause this video and attempt these questions by yourself. Which synthetic fiber has a silky texture? We have discussed this in our previous slide. Which synthetic fiber has a silky texture? Please tell me. So the fiber named rayon, it has silky texture. RAYON. Then we have is which synthetic fiber is used for making fishing nets or parachute ropes? Favorite question. And ये कौन सा fiber use होता है आपका, कल पढ़ा था nylon जो है आपका use होता है। Name the fiber that has a feel of wool, जो fiber wool की तरह feel करता है वो कौन सा होता है, acrylic। Which of the following absorb more water? अगर आपसे चार option दे दिए जाएं, cotton, nylon, rayon या polyester, तो कॉटन का जो कपड़ा होता है कॉटन फाइबर, इट एब्जॉर्ब्स मोर वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्न स्लोली विद द स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर, अभी एक हमने डिस्कस करा था कौन कौन से दो फाइबर थे इसमें, तो ये जो आपकी वूल थी ये बर्न करती है आपका जस्ट लाइक अ स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर। ओके, आई होप इट इज क्लियर। मूविंग फर्दर, सो नाउ विल डिस्कस अबाउट सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स क्या हैं आपके, वी आर प्रोबेबली पासिंग थ्रू द प्लास्टिक एज। वी नो ऑलमोस्ट एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड ऑफ वन और अदर काइंड ऑफ प्लास्टिक। हेयर वी डिस्क्राइब सम ऑफ द कॉमन यूज प्लास्टिक मटीरियल। अब जो है क्या ये सिंथेटिक फाइबर्स, अ सिंथेटिक मटीरियल विच कैन बी ईजिली मोल्डेड इन टू डिजायर्ड शेप ऑन हीटिंग इज नोन एज प्लास्टिक। जो भी सिंथेटिक मटीरियल को हम ईजिली मोल्ड कर सकते हैं इन टू डिजायर्ड शेप On heating, this is known as plastic. Plastic जो है they are actually synthetic. Plastic actually synthetic होती है। अब common plastics कौन कौन सी हैं, ये आपको नाम याद रखने हैं। Some common plastics are, one is bakelite, nylon, terephthalate, polythene, polyvinyl chloride. Okay? अगर आपसे पूछा जाए common plastic के examples, तो आपको ये सारे examples mark करने हैं। प्लास्टिक जो होते हैं दे आर पॉलीमर्स मेड फ्रॉम स्मॉल मॉलिक्यूल्स, हमने कल ही डिस्कस करा था ये पॉलीमर्स होते हैं मेड फ्रॉम स्मॉल मॉलिक्यूल्स, और अगर ये सिंगल चेन में बने होते हैं इसी तरीके से तो दे आर नोन एज मोनोमर्स। डिफरेंट प्लास्टिक्स हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितने भी अलग अलग प्लास्टिक हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे नायलॉन है, टेरेलीन है, पॉलीथीन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, इन सब का जो अरेंजमेंट होगा, मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होगा वो भी डिफरेंट होगा। ओके, पॉलीमर्स इन विच स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आर लिंक्ड टू ईच अदर इन अ लीनियर स्ट्रेट चेन, लीनियर मतलब एक स्ट्रेट अरेंजमेंट में अगर ये लिंक होते हैं तो दे आर नोन एज योर लीनियर पॉलीमर्स। आई होप इट इज क्लियर। मूविंग फर्दर, काइंड ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक्स, हमारे पास जो सिंथेटिक प्लास्टिक्स हैं वो कितने तरीके के होते हैं, तो सिंथेटिक प्लास्टिक्स हैं आपके दो तरीके के, थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। द पॉलीमर्स इन विच स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, हमने बता दिया जो उसको बोलते हैं लीनियर मॉलिक्यूल्स। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई अरेंजमेंट
अरेंजमेंट इस तरीके से होती है आपके मॉलिक्यूल्स की, जो लीनियर पॉलीमर्स होते हैं लाइक दिस, एंड यू कैन मार्क इट एनी थिंग लाइक मॉलिक्यूल 1, मॉलिक्यूल 2, मॉलिक्यूल 3, M4 एंड M5. इस तरीके से एक लीनियर चेन में जो है ये बंधे होते हैं. देन वी हैव इस क्रॉस पॉलीमर्स, जो मैंने डिस्कस नहीं करा था अभी. क्रॉस पॉलीमर्स क्या होते हैं आपके? द पॉलीमर्स इन विच स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आर लिंक्ड इन सच अ वे दैट ऑल द लीनियर चेन्स आर ऑल्सो लिंक टू ईच अदर इज नोन एज क्रॉस पॉलीमर. ये था आपका लीनियर पॉलीमर. ठीक है, स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स एक चेन में, स्ट्रेट चेन में लिंक्ड है. इन केस ऑफ योर क्रॉस पॉलीमर दिस इज द चेन, और इस तरीके से ये लीनियर चेन इकट्ठा हुई. देन यहाँ पर इसी तरीके से तीन चार लीनियर चेन्स आपकी इकट्ठी लिंक्ड होती हैं लाइक दिस, और ये एक इस तरीके का पैटर्न बना लेगा, और आपस में भी जो है ये लिंक होती हैं इस तरीके से, एंड दीज आर नोन एज क्रॉस पॉलीमर्स. ओके, आई होप इट इज क्लियर. मूविंग फर्दर, देन वी हैव डिस्कस डिफरेंट काइंड ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक्स. तो हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक्स हैं. फर्स्ट वन इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स एंड द अदर वन इज थर्मोप्लास्टिक्स. इन केस ऑफ योर थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक कौन सी होती है? द प्लास्टिक्स विच कैन बी सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड मोल्डेड रिपीटेडली इन डिफरेंट शेप. जो भी प्लास्टिक्स सॉफ्ट हो जाती हैं हीट करने पे, और हम उसको मोल्ड कर सकते हैं किसी भी डिजायर्ड शेप में रिपीटेडली, मतलब जितनी बार हम उसको गर्म करेंगे उतनी बार ही हम उसकी शेप अलग अलग दे सकते हैं रिपीटेडली, तो उसे बोलते हैं हम थर्मोप्लास्टिक. थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल्स दे कैन आस्क यू इन अ पेपर, सो PVC, पॉलिस्ट्रीन, नायलॉन एंड पॉलीथीन, दे आर एग्जाम्पल ऑफ योर थर्मोप्लास्टिक्स. थर्मोप्लास्टिक्स जो होते हैं वो किस चीज में यूज होते हैं? थर्मोप्लास्टिक्स आर गुड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज कॉम्स. ठीक है, जो कंगी आप यूज करते हो, जो टॉयज यूज करते हो, वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स, वेरियस टाइप ऑफ पाइप्स, इसमें यूज होता है आपका थर्मोप्लास्टिक्स. देन वी कम टू थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. दोनों में फर्क क्या है? द प्लास्टिक सब्सटेंस विच वंस मोल्डेड इन अ शेप कैन नॉट बी सॉफ्टन्ड और मेल्टेड ऑन रीहीटिंग. थर्मोप्लास्टिक में था, बार बार हम उसको मेल्ट करके डिजायर्ड शेप में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. बट इन केस ऑफ योर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, एक बार अगर वो शेप ले ली उसने, हमने एक बार किसी चीज़ को मेल्ट करके उसको शेप दे दी, दोबारा से हम उसको मेल्ट करके सॉफ्ट नहीं कर सकते, दोबारा वो मेल्ट नहीं होगा ऑन हीटिंग, और इसीलिए उसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. मतलब एक बार में वो सेट हो चुका है, अब दोबारा वो हम उसको रीमोल्ड या फिर रीशेप हम नहीं कर सकते. आई होप इट इज़ क्लियर. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इट कैन बी प्रोसेस्ड ओनली वंस एंड कैन नॉट बी रीप्रोसेस्ड. मतलब एक बार उसकी प्रोसेसिंग हो गई, एक बार हमने उसको शेप दे दी, दोबारा से हम उसको शेप नहीं दे सकते, दोबारा से रीप्रोसेसिंग उसकी नहीं हो सकती. ओके, देन दे कैन आस्क यू एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. तो बेकेलाइट, मेलेमाइन, फॉर्मेल्डिहाइड, दे आर एग्जाम्पल ऑफ योर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होती है दे आर सुटेबल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विच, फ्लोर टाइल, किचन वेयर जो आपको बनते हैं, हैंडल्स ऑफ प्रेशर कुकर, ये सब बनते हैं आपको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से. देन इफ दे आस्क यू द मेजर डिफरेंस, कि अगर आपसे दो कॉलम दे दिए जाए और दो कॉलम वाइज पूछा जाए कि थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में फर्क क्या है, तो वो देख लेते हैं. थर्मोप्लास्टिक आर पॉलीमर्स इन विच चेन गेट हाईली क्रॉस लिंक्ड ऑन हीटिंग. आपको बता दिया था थर्मोसेटिंग में जो आपकी चेन है दे गेट हाईली क्रॉस लिंक्ड. क्रॉस लिंक कैसे था? इस तरीके से, जैसे हीट हुआ क्रॉस लिंक हो गया, चेन इस तरीके से बनेगी. ओके, बट इन केस ऑफ ए थर्मोप्लास्टिक लॉन्ग चेन पॉलीमर्स विद नो क्रॉस लिंकिंग. यहाँ पर क्या होता है, एक लॉन्ग चेन पॉलीमर्स की होती है इस तरीके से, बट कोई भी क्रॉस लिंकिंग आपस में नहीं होती. ओके, मेजर डिफरेंस ये था. हीटिंग डज नॉट प्रोड्यूस एनी क्रॉस लिंकिंग बिटवीन द चेन. कोई भी, अगर मान लो ये जो दो चेन बन गई आपकी, इनके बीच में कोई भी क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी. चेन वन चेन टू के बीच में कोई क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी, बट इन केस ऑफ योर थर्मोसेटिंग यहाँ पर हो जाएगी क्रॉस लिंकिंग आपस में चेन्स की.
राइट। देन वी हैव वंस मोल्डेड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैनॉट बी रिप्रोसेस, एक बार हमने मोल्ड कर दिया उसके बाद में हमारी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दोबारा से रिप्रोसेस नहीं हो सकती, बट इन केस ऑफ योर थर्मोप्लास्टिक इट कैन बी प्रोसेस्ड रिपीटेडली, बार बार हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं और रिपीटेडली प्रोसेस करके डिफरेंट शेप्स उसकी दे सकते हैं। इन केस ऑफ योर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वी हैव बेकेलाइट, मेलामाइन, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक इज पॉलीथीन, पी वी सी, पॉलिस्ट्रीन, नाइलॉन एंड पॉलिएस्टर्स। आई होप इट इज क्लियर। So this is all for today and let's end this session. I hope it is everything is clear to you. Whenever and wherever you get any doubt, you can comment me in the comment section. Otherwise, we have given you a personal number. You can mail your doubt there. We have also given you ID, that is sbss.inquiry@gmail.com. You can mail us there. We'll resolve your query. And Rachit sir is also taking the statistics classes. Kindly watch them. They are very beneficial for your exam. So let's continue tomorrow the rest of the part. Till then, take care, good luck, and keep studying.